इसराइल राज्य की स्थापना से पहले और बाद से इसराइल की महिला सैनिकों वुमेन ब्रिगेड ने पारंपरिक रूप से अपने देश के सैन्य कार्यवाहियों में भाग लिया। और हालांकि ज्यादातर इसराइलियों के लिए ये बहुत ही सामान्य बात हो सकती है कि वे सुंदर युवा महिलाओं को घातक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर इसराइल की सड़कों पर देखते होंगे, पर आपके और हमारी तरह समूचे विश्व के लिए ये चर्चा का विषय है। इसराइल में 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर हर नागरिक को सेना में अपनी सेवाएं देनी अनिवार्य है। पुरुष के लिए 3 साल और महिलाओं के लिए 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण वुमेन ब्रिगेड और सेवा जरूरी है। ये दुनिया के मुट्ठी भर देशों में से एक है जहां महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इसराइल के सैन्य रक्षा बलों में भर्ती बहुत ही युवा महिला सैनिक हैं, जो ITF सैनिकों वुमेन ब्रिगेड के कुल प्रतिशत का 1/3 और अधिकारी लेवल के कुल प्रतिशत के आधे हिस्से के बराबर है। वायु, जमीन और समुद्र तीनों क्षेत्रों में महिला सैनिकों की हिस्सेदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस देश में ये नियम है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सेना की सेवाएं देने का कानून सबके लिए यहाँ एक समान है। महिला सैनिकों वुमेन ब्रिगेड को भी पुरुषों के बराबर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें भी हर तरह के हथियार चलाने, किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए इतना मजबूत बनाया जाता है जिससे समय आने पर वो हर मौके पर खुद को साबित कर सके। यहाँ की नवयुवतियाँ और महिलाएं भी सेना में भर्ती होकर खुद को बेहतर बनाने से पीछे नहीं हटती। उनका उत्साह इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद आपको ऐसी महिला ब्रिगेड, वुमेन ब्रिगेड दुनिया में कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि ये जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही खतरनाक और मजबूत भी हैं, जो अपने देश सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। यही बात इन्हें विश्व के दूसरे देशों की महिला सैनिकों से अलग बनाती है।